हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली अग्रवाल एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू सम शॉर्टकट ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स विद इन सेकेंड्स। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 3547 टू द पावर 153 इनटू 251 टू द पावर 72। अगर एग्जाम कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन आता है और आप इसको फुल सॉल्व करने बैठते हैं तो ये आपको 10 से 15 मिनट्स लेगा, लेकिन आप इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो ये विद इन 10 टू 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें यूज होने वाली ट्रिक को मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। सो वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बाई यूजिंग साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। तो देख लेते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी एग्जाम कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं साइक्लिसिटी क्या होती है। एक नंबर ले लेते हैं 2, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब देखिए टू टू दी पावर 1 इज 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे हर 4 पावर्स के बाद, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यूनिट डिजिट जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर यूनिट डिजिट था 2, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है 2। हमें बाकी के डिजिट से कोई लेना देना नहीं, 3, 6, 1, 2, 2, 6 ये हमारे कोई मतलब के नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। यूनिट डिजिट क्या होता था, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 56, 32, तो ये 56 में जो इसका लास्ट डिजिट होगा उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 हमारा यूनिट डिजिट है, तो वही देखेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट था 2 और हर 4 पार के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, तो यहाँ पे भी है 2। सिमिलरली यहाँ पे था 4, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे था 8, यहाँ पर भी है 8, यहाँ पे था 6 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे 256, यहाँ पर भी है 6। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है, हर 4 के बाद ये रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी ऑफ 2 हम बोल सकते हैं ये है हमारी 4, क्योंकि हर 4 के बाद लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 का एग्जांपल लेते हैं या फिर 4 का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 to the power 1, 2, 3, 4, 16, 64। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे 4 to the power 1 था हमारा 4 और 4 to the power 3 भी है हमारा 4। दैट मीन्स यहाँ पे हर 2 के बाद हमारे लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो साइक्लिसिटी 4 की कितनी होगी, यस इसकी साइक्लिसिटी होगी 2। तो अब देखिए मैंने यहाँ बाकी नंबर्स की साइक्लिसिटी लिख के रखी है, जैसे 1 की साइक्लिसिटी होती है 1, 2 की होती है 4, 3 की होती है 4, 4 की होती है 2, 5 की होती है 1 एंड सो ऑन। अब एक चीज़, अगर आपको साइक्लिसिटी एग्ज़ाम कंडीशन में याद नहीं आती है कि कौन से नंबर की साइक्लिसिटी क्या है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन नंबर्स की साइक्लिसिटी को फाइंड कर पाएँ, तो एक बेसिक सा है कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब की साइक्लिसिटी को हम 4 ले सकते हैं। तो ऑल द नंबर्स, इन सारे नंबर की साइक्लिसिटी को हम कितना ले सकते हैं, 4। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, तो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन को समझेंगे और उसी की हेल्प से हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे ने हमसे पूछा है यूनिट डिजिट ऑफ 684 इंटू 789 इंटू 413। तो देखिए पहले एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन है 4 into 2, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8।
सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 14 × 28। अगर उनने हमसे पूछा है, क्वेश्चन सेटर ने हमसे पूछा है कि 14 × 28 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना पड़ता है, तो 8 × 4 = 32। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो थे स्मॉल एग्जांपल्स, लेकिन अब ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए देख लेते हैं यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो पूछा गया है यूनिट डिजिट ऑफ 684 × 789 × 413। सबसे पहले याद रखिए, जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं, तो 684 का लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो 4 × यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 9 × 3। 9 × 4 = 36 × 3 106 × 3 108। तो यहाँ पर हमारे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8। अब आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस इंटू दिस। तो अब देखिए, इतने सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था, जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालने हो तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 7। तो हम लोग ले लेंगे 7 to the power 153। सिमिलरली इस डिजिट का लास्ट नंबर क्या है, 1। सो 1 to the power 72। अब आप 7 to the power अगर 153 कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो बहुत लंबा होगा, लेकिन हमें एक बेसिक सी बात पता है कि हर 4 के बाद 7 की साइक्लिसिटी हमारी क्या है, 4। दैट मीन्स हर 4 पावर के बाद रेपिटेशन होगा, तो उसी फंडे को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 153 को लेंगे और इसको 7 की साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या है हमारी, 4। तो इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड क्या करेंगे तो क्या होगा, 12। ये हमारा 3 बचा, तो 8 × 32। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1। तो हमें इस डिजिट से कोई भी लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर है हमारा 1। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 7 to the power 1 × 1 to the power 72। अब वी नो डैट 7 to the power 1 is 7 × 1 की कोई भी पावर हो, 1 × 1 is 1 1 × 1 × 1 is 1। देखिए 1 × 1 is 1 1 × 1 × 1 is 1। तो 1 की अगर कोई भी पावर हो उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो 7 × 1, तो डैट मीन्स 7। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो देखिए, हमने एक लॉन्ग कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लिया। एग्जाम कंडीशन में आप इसको और फास्ट तरीके से कर सकते हैं अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।